कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर देखने के बाद ये तो साफ दिख रहा है कि मूवी में कैप्टन अमेरिका वाली वाइब कम और पॉलिटिकल वाइब ज्यादा रहेगी, और साथ ही साथ मार्वल के बहुत से कैरेक्टर्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो रहे हैं। अब ये कैसे और क्यों हो रहे हैं प्लस इस टीजर की ऑल द माइनर डिटेल्स आपके साथ वन बाय वन शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैडियस थंडरबोल्ट रॉस अब सीक्रेट इन्वेजन सीरीज वाले प्रेसिडेंट रिटसन की जगह नजर आएंगे। इस बात का रेफरेंस हमें इसी टीजर में मिलता है जहां पर थैडियस रॉस किसी तरह की ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस में पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिसका स्लोगन ऑफ कोर्स टुगेदर ऑल टुगेदर होगा, जो कि इसके पीछे लगे पोस्टर्स पर दिख भी रहा है। मार्वल यूनिवर्स में यूएसए प्रेसिडेंट थैडियस थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर पहले विलियम हर्ट प्ले किया करते थे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, 2022 में वो गुजर गए थे, इसलिए अब उनकी जगह हैरिसन फोर्ड थैडियस थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर प्ले करेंगे। इन्हें आप काउबॉय एंड एलियंस, स्टार वॉर्स और ब्लेड मूवी में देख चुके हैं। एयरफोर्स वन मूवी में ये पहली बार एज प्रेसिडेंट अपीयर हुए थे, और ये प्रेसिडेंट सिर्फ स्पीच देने वाला प्रेसिडेंट नहीं होता बल्कि खुद मैदान में उतरता भी है और इसका प्लेन हाईजैक करने वालों को खूब तोता भी है। सो आई थिंक मार्वल वाले प्रेसिडेंट के इसी नोस्टैल्जिया को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में टारगेट करने वाले हैं। बहरहाल जो लोग मार्वल सिनेमैटिक्स और मार्वल कॉमिक्स को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि थैडियस रॉस पहले यूएसए मिलिट्री में ऑफिसर हुआ करता था, देन सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में प्रेसिडेंट रिटसन ने जो कांड करा उसके चलते अब थैडियस रॉस प्रेसिडेंट रिटसन की जगह यूएसए के अगले प्रेसिडेंट बनेंगे। थैडियस थंडरबोल्ट रॉस ने ही इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सुपर सोल्जर प्रोग्राम को रिस्टार्ट करवाया था, और इसी प्रोग्राम की वजह से कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट अवेंजर मूवी में स्टीव रॉजर्स को अपनी सुपर पावर्स मिली थी, और थैडियस रॉस ने ही एमिल ब्लैंस्की को सुपर सोल्जर भी बनाया था जो कि एंड अप हुआ अबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद। ये सारा काम थैडियस थंडरबोल्ट रॉस ने सैमुअल स्टर्न्स नाम के साइंटिस्ट की मदद से किया था, जो कि आपको मिस्टर ब्लू के नाम से भी याद होगा। ये बंदा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिल लीडर के तौर पर वापस लौटने वाला है। अब इसकी क्या हिस्ट्री है और इसका कॉमिक्स में क्या किरदार है ये तो हम बाद में डिस्कस करें। पिछले प्रेसिडेंट का रोल प्ले करने वाले एक्टर विलियम हर्ट ने तो हम मूंछें रखी थी, लेकिन इस एक्टर की मूंछें मार्वल वालों को मंजूर नहीं थी, और इस बात को टीजर के स्टार्टिंग में ही पॉइंट आउट कर दिया जाता है। खैर थैडियस रॉस सैम विल्सन को यूएसए मिलिट्री में कैप्टन अमेरिका की ऑफिशियल पोस्ट देने के लिए इन्वाइट करते हैं, जिस पर सैम विल्सन बोलता है कि फ्यूचर में अगर हम एक दूसरे की बात पर एग्री ना हुए तो क्या होगा। देन थैडियस रॉस सैम विल्सन को डिवैल्यू करने की कोशिश करते हैं कि तुम कभी स्टीव रॉजर नहीं बन सकते, और भाई अपना सैम विल्सन स्टीव रॉजर्स बनना भी नहीं चाह रहा क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिर्फ एक पोस्ट है लेकिन स्टीव रॉजर्स एक पर्सनैलिटी, एक फेवरेट सुपर हीरो भी है, और ऑडियंस कभी भी सैम विल्सन को एज स्टीव रॉजर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मार्वल वालों ने कैप्टन अमेरिका को रिप्लेस करने की बहुत ही अच्छी और क्लीन ट्रिक अपनाई है। बहरहाल थैडियस रॉस और सैम विल्सन में जो बात चल रही होती है मूवी का प्लॉट इसी के राउंड घूमता रहेगा या इसी से आगे फॉरवर्ड होगा। स्टीव रॉजर्स सैम विल्सन पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता था, और एवेंजर्स एंड गेम में इतने सारे एवेंजर्स होने के बावजूद वो अपनी शील्ड सिर्फ सैम विल्सन को ही देता है। शायद इसी बात को कंसीडर करते हुए थैडियस रॉस सैम विल्सन को न्यू कैप्टन अमेरिका बना देंगे, और इससे अगले ही शॉट में एक कार हमें दो हिस्सों में कटती हुई नजर आती है। अभी यहाँ पर किसी के पास डॉक्टर स्ट्रेंज या इबोनी मॉ जैसी पावर्स तो है नहीं कि कोई इस कार को दो हिस्सों में काट दे, इसलिए आप इस सीन को हल्क की रेज फॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हो जो लास्ट टाइम हमें इनक्रेडिबल हल्क मूवी में दिखी थी, जहाँ पर अपना हल्क अबोमिनेशन का मुंह तोड़ने के लिए कार को इस्तेमाल करता है। शायद वही हल्क की रेज फॉर्म हमें इस मूवी में देखने मिल जाए, लेकिन इस बार इनक्रेडिबल हल्क नहीं रेड हल्क होगा, जो कुछ मामलात में इनक्रेडिबल हल्क से भी खतरनाक है। सैम विल्सन को इनविटेशन देने के बाद प्रेसिडेंट रॉस पब्लिक को स्पीच देना शुरू कर देते हैं, और इसी स्पीच के दौरान एक बंदा उठ के प्रेसिडेंट के गार्ड को पीटना शुरू कर देता है। एक्चुअली ये बंदा दी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज वाला आइजिया ब्रैडली है। दी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में तो ये बंदा बहुत शांत और थका थका सा लग रहा था, लेकिन अचानक से विंटर सोल्जर मोड में जाने की इसकी वजह लीडर है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में लीडर भी मौजूद होगा। अगर आप इस सीन को देखो जहां पर फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं तो ये बंदा जो फोटो ले रहा है इसका हाथ ग्रीन है, जो कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में लीडर की अपीयरेंस को कंफर्म करता है। खैर इजाया ब्रैडली को भी यहां पर लीडर ने ही ट्रिगर किया होगा, जैसे सिविल वॉर में जीमो बकी को ट्रिगर करता है। इसके बाद आइजिया ब्रैडली ये कांड घर के भाग जाता है, जो एक तरह का रिकैप भी था जैसे बकी बर्न्स विंडो से कूद जाता है। इसके अगले ही शॉट में फाल्कन कुछ सोल्जर्स को बहुत ही कूल अंदाज में पीट रहा होता है। चांसेस है कि ये सोल्जर्स लीडर के आदमी होंगे, क्योंकि अगले ही सीन में लीडर किसी को फोन पर इंस्ट्रक्शंस देते हुए नजर आता है। फिलहाल इस टीजर में लीडर की बैक साइड ही दिखाई जाती है, लेकिन इस सीन से पहले ग्लासेस में ये बंदा गन उठाए नजर आता है। इसका नाम जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज है, ये भी मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है। पहले ये केबल की गैंग में हुआ करता था, फिर बाद में किसी लफड़े के चलते इसने केबल की गैंग छोड़ के शील्ड ज्वाइन कर ली, और इसके बाद ये एक्समैन और एक्स फोर्स में मौजूद अपने एलिस को म्यूटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में इन्फो देता रहता था, और इसी के चलते जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज ने केबल से टेलीपोर्टेशन भी सीख ली थी। अब यहाँ पर
पॉसिबिलिटी बनती है कि जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज किसी और टाइम या डायमेंशन से टेलीपोर्ट करके आया होगा। दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज एके जीडब्ल्यू ब्रिज का रोल प्ले करने वाले एक्टर का नाम दी मोस्ट फेमस जियान कार्लो एस्पोसितो है। एक शॉट में आपको मिसाइल फायर होते नजर आते हैं और इसके पीछे नजर आ रहा पत्थर कोई नॉर्मल स्टोन या चट्टान नहीं है बल्कि वही तियामुत का हाथ है जिसे जमीन में से निकलने से पहले ही इटर्नल्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। एक्चुअली तियामुत दी कम्युनिकेटर मार्वल कॉमिक्स का एक सिलेशियल था और इसका सीड अरिशम दी जज ने अर्थ पर प्लांट करवाने के लिए भेजा था। ये पूरी तरह ग्रो हो चुका था और अर्थ को फाड़ के निकलने भी वाला था कि इटर्नल्स की पावर्स को कंबाइन करके सरसी इसे अर्थ को इरप्ट करने से पहले ही किसी अननोन क्रिस्टलाइज सब्सटेंस में बदल देती है। अभी बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये सब्सटेंस एडमेंटियम हो और इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही प्रेसिडेंट रॉस ने ये कमेटी बिठाई हो और इसी एडमेंटियम को हासिल करने के लिए लीडर ने कॉन्फ्रेंस रूम में सुपर सोल्जर आइजाया ब्रैडली के थ्रू हमला करवाया होगा। और ये जो मिसाइल चल रही है ये अमेरिका और जापान के दरमियान एडमेंटियम को हासिल करने के लिए वार भी चल रही हो सकती है क्योंकि रेड हल्क वाले सीन में पीछे नजर आ रहे ट्रीज चेरी ब्लॉसम के ट्रीज हैं और चेरी ब्लॉसम जापान का नेशनल फ्लावर है जबकि सैम विल्सन और रॉस के साथ खड़ा ये बंदा चाइनीज कम जैपनीज ज्यादा और कोरियन भी लग रहा है। लेकिन इस टीजर में चेरी ब्लॉसम के ट्रीज के शॉट्स बहुत ज्यादा हैं इसलिए ये वॉर अमेरिका और जापान के दरमियान ही कंसीडर की जा सकती है। दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक्स में एडमेंटियम की ये फर्स्ट अपीयरेंस है। इससे पहले मार्वल यूनिवर्स में एडमेंटियम को इस्तेमाल नहीं करा गया। अभी रेड हल्क वाला शॉट बहुत ही कम समय के लिए दिखाया गया जो दिखने में तो इनक्रेडिबल हल्क से बहुत छोटा लग रहा है लेकिन अगर आप इसकी आवाज ध्यान से सुनो तो आप कह सकते हो कि रेड हल्क गुस्से से लाल पीला हुआ पड़ा है। लाल तो पहले ही था। प्रेसिडेंट रॉस आखिर रेड हल्क बनेगा कैसे? अगर आपने शी हल्क सीरीज देख रखी और कॉमिक्स पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि इंटेलिजेंसिया वालों ने प्रेसिडेंट रॉस को शी हल्क का ब्लड सैंपल प्रोवाइड किया था और इसका इस्तेमाल करते हुए ये हल्क तो नहीं बन पाता लेकिन हीट अब्सॉर्ब करने वाला रेड हल्क जरूर बन जाता है। इस सीन में जो फ्यूनरल चल रहा है ये भी प्रेसिडेंट रॉस का ही होगा क्योंकि इसके बाद टीजर में एक सीन में इसी जगह पर प्रेसिडेंट रॉस आपको स्पीच देता हुआ नजर आएंगे। अभी प्रेसिडेंट रॉस की डेथ पर बेटी रॉस भी हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिल सकती है और इस बात का रेफरेंस हमें कॉमिक्स में भी मिलता है कि बेटी रॉस जापान में आई थी और ये वही एक्ट्रेस होंगी जिन्होंने इनक्रेडिबल हल्क मूवी में भी बेटी रॉस का कैरेक्टर प्ले किया था। दोस्तों बेटी रॉस तो कॉमिक्स में रेड शी हल्क और बर्ड हाइब्रिड क्रीचर कॉल्ड हार्पी भी बन चुकी हैं। अब ये कैसे और क्यों बनी थी इसकी एक अलग कहानी है। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं कि चांसेस हैं कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें रेड शी हल्क या हार्पी भी देखने को मिल जाए। अभी इस सारी वीडियो की समरी ये है कि प्रेसिडेंट रॉस सैम विल्सन को यूएस मिलिट्री में कैप्टन अमेरिका की ऑफिशियल पोस्ट दे देगा और दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर एडमेंटियम को तियामुत के हाथ से निकालने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बिठाएगा और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान लीडर आइजाया ब्रैडली सुपर सोल्जर का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट रॉस पर हमला करवा देगा पर ये हमला नाकाम हो जाएगा। इसके बाद सैम विल्सन प्रेसिडेंट रॉस को कन्विंस करेगा कि आपका दुश्मन आपके ही डिपार्टमेंट में से है पर आप उसे ढूंढना नहीं चाह रहे। इसके बाद एडमेंटियम को लेकर जापान और यूएसए के दरमियान वार शुरू हो जाएगी ठीक उसी जगह जहां पर इटर्नल्स ने तियामुत को जमीन से निकलने से पहले ही किसी सब्सटेंस में बदल दिया था और ये सब्सटेंस पॉसिबली एडमेंटियम होगा और इसी एडमेंटियम के पीछे लीडर भी होगा। खैर इसके बाद प्रेसिडेंट रॉस के इरादे एडमेंटियम को लेकर शायद गलत हो जाएंगे और सैम विल्सन इसे रोकने की कोशिश करेगा और ये हीरो बनने की कोशिश इसे रेड हल्क से भिड़वाएगी भी और बहुत ज्यादा पिटवाएगी भी। दोस्तों अभी जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज के बारे में दो थ्योरीज हो सकती हैं। पहली ये कि ये बंदा भी एडमेंटियम के पीछे होगा या फिर ये निक फ्यूरी की जगह भी नजर सकता है क्योंकि निक फ्यूरी फिलहाल अर्थ की बजाय स्पेस गार्डियंस के साथ काम कर रहे हैं। ओके दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।